भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और सरफराज खान का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, इंग्लैंड के गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। इंग्लैंड के गेंदबाज से लेकर के कप्तान तक का भी माथा चकरा गया। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़ को भी कुछ समझ में नहीं आया। कोच राहुल द्रविड़ ने खड़े होकर के यहां पर सरफराज खान को सलाम ठोका, तो वहीं रोहित शर्मा ने दौड़कर सरफराज खान को अपने गले लगा लिया। सरफराज खान और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। अगर हम यहां पर वेट और हाइट की बात करें तो सरफराज खान और रोहित शर्मा का वेट और हाइट बिल्कुल सेम है। सरफराज खान और रोहित शर्मा की फिटनेस एक जैसी है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी देखकर आप भी एक बार हैरान हो जाएंगे। रोहित शर्मा और सरफराज खान यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में तो कहर बरसा ही दिया, लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज से 170 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए इनकी बल्लेबाजी देखकर। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इस बार इंग्लैंड के कप्तान के पक्ष में जाकर के गिरा, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया। इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाजों ने सोचा कि पहले हम गेंदबाजी करके भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर अच्छा खासा दबाव बना देंगे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि सरफराज जैसा तूफान और यहां पर रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल जैसी आंधी मौजूद है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से घातक विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए। रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार कवर ड्राइव, दो चौके और गगनचुंबी 3 छक्के जड़ दिए। शुरुआत काफी बेहतर थी और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर में शानदार 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल 21 साल का होनहार बल्लेबाज ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से हर एक गेंदबाज के परखच्चे उड़ाता है और इसने कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे, लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल का बल्ला उतना बेहतर नहीं चला। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज है, यह हम मानते हैं, लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल महज 21 रन बना करके पवेलियन का रास्ता देख गए, जहां पर 8वें ओवर की चौथी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। लेकिन यहां पर शुभमन गिल मैदान पर आ चुके थे, इंडिया टीम के नए प्रिंस नए हुआ। शुभमन गिल भी काफी खुकार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं और यहां पर चौथे टेस्ट मुकाबले में शुरुआत चौके से और काफी शानदार शुरुआत की। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया, तो वहीं रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 3 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, तो वहीं शुभमन गिल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव 2 चौके जड़ दिए। इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ रहे थे। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते नजर आए, दबाव बनाने की बात तो दूर, यहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सच में यशस्वी शुभमन गिल है या रोहित शर्मा है। आप सभी को बता दें कि इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। हालांकि यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल की पूरी कसर कर दी और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। लेकिन भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया, 22वें ओवर की 6ठी बॉल पर, जहां पर क्लीन बोल्ड हो गए शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल ने काफी तूफानी विस्फोटक तो बल्लेबाजी की और 71 रन ठोक भी दिए, लेकिन यहां पर शुभमन गिल आउट हो गए। जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, मैदान पर घातक शेर खुकार विस्फोटक बल्लेबाज, यानी कि हम बात करने वाले हैं घातक विस्फोटक बल्लेबाज की, यानी कि सरफराज खान की। सरफराज खान ने चौथे टेस्ट मुकाबले में आते ही मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अब रोहित शर्मा और सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। इनकी बल्लेबाजी जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरफराज खान ने यहां पर 31वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 5 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इनके सामने जो भी गेंदबाज आ रहा था वो इनके सामने रोता विलखता और पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। कई गेंदबाजों ने सरफराज खान के सामने गेंदबाजी करने से मना कर दिया, क्योंकि यहां पर हर एक बॉल पर छक्के और चौके पर चौके जड़ रहे थे। सरफराज खान इंग्लैंड के कई गेंदबाजों का करियर खा गया, क्योंकि यहां पर छक्के और चौके पर चौके जड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि टेस्ट मुकाबले में। तो वहीं रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे, क्योंकि तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन रोहित शर्मा 19 रन बनाकर के कैच आउट का सामना कर बैठे थे और पवेलियन का रास्ता देख गए थे। जैसे ही रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और यहां पर रोहित शर्मा और सरफराज खान ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से यहां पर 90 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सरफराज खान ने यहां पर 55वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी
29 छक्के जड़ दिए और खुल करके इंग्लैंड के गेंदबाजों को चैलेंज कर दिया कि अगर दम है तो आउट करके दिखाओ। तो वहीं रोहित शर्मा भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम को अब सबसे बड़ा झटका लग गया जब 61वें ओवर की 4th बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा। आप सभी को बता दें हिटमैन रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और यहाँ पर जो है 170 रन ठोक दिए। लेकिन यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब रोहित शर्मा आउट हुए तो यहाँ पर जो है सरफराज का साथ देने के लिए और घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा जैसे खुकार विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज आए। रविंद्र जडेजा ने पहले दूसरे तीसरे टेस्ट मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की और शतकीय पारी खेली, लेकिन तीसरे चौथे टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी भी की। सरफराज खान का साथ देने के लिए जैसे ही रविंद्र जडेजा आए इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 65वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके यहां पर जो है रविंद्र जडेजा और जड्डू भाई ने जड़े। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी हर मैदान पर कहर बरसाती है। रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन यहां पर सरफराज खान ने रविंद्र जडेजा को पहले ही समझा दिया था जहां पर रन ना लेना हो वहां पर रन मत लो, क्योंकि रन आउट भारतीय टीम के खिलाड़ी काफी ज्यादा जल्दी हो जाते हैं अपनी अपनी बेवकूफी के चक्कर में। क्योंकि रविंद्र जडेजा के चक्कर में तीसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन सरफराज खान 62 रन बना करके रन आउट हो गए थे क्योंकि यहां पर रविंद्र जडेजा की बेवकूफी रही थी। लेकिन इस बार इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के बल्लेबाजी की और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि 87 ओवर की 6th बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा यहां पर कैच आउट का सामना कर बैठे विकेट कीपर के हाथों, क्योंकि वो बॉल है बैट से छूकर के पीछे की ओर चली गई जहां पर विकेट कीपर ने उस बॉल को आसानी से कैच कर लिया। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 55 रन ठोक दिए और अर्धशतकीय पारी खेल डाली। लेकिन जैसे ही सरफराज खान का साथ देने के लिए मैदान पर खुकार विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली आए, विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। विराट कोहली ने 4th टेस्ट मुकाबले में वापसी करते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया और इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। विराट कोहली और सरफराज खान मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। सरफराज खान ने शुरू से लेकर आखिर तक यानी कि 90 ओवर तक जाते जाते यहां पर 248 रन ठोक और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धूल चटा दी। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली हर किसी का रिकॉर्ड तोड़कर यहां पर 248 रन ठोक दिए टेस्ट मुकाबले में। जहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर रिंकू सिंह जैसे घातक खुकार विस्फोटक बल्लेबाज आए। रिंकू सिंह और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की जहां पर भारतीय टीम का स्कोर काफी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया, यानी कि भारत वर्सेज इंग्लैंड के बीच 4th टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन इन लोगों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की जहां पर रिंकू सिंह ने भी 70 रन ठोक दिए और विराट कोहली ने भी 85 रनों की नवाद पारी खेल डाली और घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने जो है वार्म मुकाबले में समझ लो जीत हासिल कर लिए। क्योंकि भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की तो बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी से मैदान पर खूब कहर बरसाया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी धज्जियां उड़ाकर गिर दी। अब रियल मुकाबला है वो 23 फरवरी को खेला जाएगा। अगर आप लोग हाईलाइट मुकाबले क्रिकेट से जुड़ी जानकारी देखना पाना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।